अस्सलाम वालेकुम, यह है फूड बैंक 193, आसान खानों का, आसान रेसिपीज का चैनल। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए, सेहत सलामती नसीब अता फरमाए। पास्ता छोटों बड़ों का बहुत ही पसंदीदा है। आज मैं आपको पास्ता सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही जल्द तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इस रेसिपी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आप उसको देख सकें। पहले से अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो इसके लिए बहुत ही शुक्रिया। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन चिली गार्लिक पास्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जो है यानी कि आधा किलो पास्ता लिया है। सबसे पहले मैं इसको बॉईल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कोई सा भी बर्तन ले लीजिए। आधा किलो पास्ता के अंदर मैं 2 लीटर जो है यानी कि 2 किलो पानी डालूँगी। पानी आपने पास्ता के हिसाब से ले लेना है। जितना पास्ता बस इतना पानी डाल दीजिए जिसके अंदर वो अच्छे तरीके से खुला बॉयल हो सके। अब मैंने इसके अंदर आग जला दी है। जब ये पानी जो है ये उबलने लग जाएगा फिर मैं इसके अंदर पास्ता शामिल करूँगी। ठंडे पानी के अंदर हम पास्ता नहीं शामिल करेंगे, नहीं तो वो चिपकना शुरू हो जाता है बर्तन के साथ। अब एक तरफ जो है मैंने खुले बर्तन के अंदर मैं 4 खाने के चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल कर लूँगी। ये 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल है। एक छोटी चम्मच जो है मैं अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर दूँगी। पेस्ट ये कूटा हुआ अदरक लहसुन है तो 1 छोटी चम्मच ये शामिल कर दी। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, इसको यानी कि सोते कर लेना है। अब मैं इसके अंदर 200 ग्राम बोनलेस बारीक कटा हुआ चिकन डाल दूंगी। आप चाहे तो इसके अंदर चिकन कीमा भी डाल सकते हैं। एक तरफ मैंने मकरोनी का पानी जो है वो बॉयल करना रखा हुआ है तो दूसरी तरफ जो है वो मैं इसका चिकन जो है वो रेडी कर लूंगी ताकि जल्दी से दोनों चीज़ें जो है वो रेडी हो जाएं। चिकन को शामिल करके तो अब मैं इसको 1 मिनट तक फ्राई करूँगी। 1 मिनट तक अब मैंने इसे फ्राई कर लिया है। 500 ग्राम पास्ता के हिसाब से अब इसके अंदर मैं आधा कप यानी कि 50 ग्राम चिली गार्लिक केचप शामिल करूंगी और इसको डालने के बाद मैं इसको 3 मिनट तक पकाऊंगी जब तक कि ये चिकन जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाता। जब जो पूरा पक जाएगा 3 से 4 मिनट तक फिर मैं इसके अंदर 1 छोटी चम्मच जो है हस्बे टेस्ट इसमें नमक शामिल कर दूँगी। नमक शामिल करने के बाद अब ये पूरा पक चुका है तो मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और दूसरी तरफ मैंने पास्ता पकने रखा हुआ है। ये मसाला रेडी हो चुका है, उसको देख लेते हैं। पानी उबलने रख गया, अब मैं इसके अंदर ये पास्ता शामिल करूँगी और इसे पूरा पकने तक बॉयल करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं पास्ता को चेक कर लेती हूँ। ये मकरोनी जो हैं ये पूरी सही तरीके से ये पक चुकी हैं। इससे ज़्यादा अगर हम इसको पकाएंगे तो ये शेपलेस हो जाएंगे यानी कि इनकी शक्ल जो है वो नरम पड़ जाएगी, ये अच्छे नहीं लगेंगे। आप जैसे ही ये बॉयल हो जाए तो इनको पानी से निकाल लीजिए। ज़्यादा देर तक अगर ये पानी में पड़ा रहा तो फिर ये और ज़्यादा नरम हो जाएगा। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको फ़ौरन से पानी से निकाल लूँगी। अगर ये मसाला जो है ठंडा हो चुका है तो आप इसके नीचे हल्का सा चूल्हा ऑन कर लीजिए, बहुत तेज़ आग नहीं जलानी। अब मैं बॉयल किया हुआ जो पास्ता है यानी कि मकरोनी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये मकरोनी बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट से ये तैयार हो जाती है। आप इसको बहुत ही जल्द आसानी से बना सकते हैं अफ्तार के वक़्त भी, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक जो है वो केचप का इस्तेमाल किया है और चिकन डाला है। आप इसके अंदर सब्जियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मसाले में मिक्स करने के बाद अब मैं चूल्हा जो है वो मैं बंद कर दूंगी और इसे डिश में निकाल लेंगे। मैंने इसको डिश में निकाल लिया है। ये जो रेसिपी आपको मैंने बताई है ये देखिए कितनी झटपट से और बआसानी तैयार हुई है। इसको बिगनर्स भी बआसानी बना सकते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला, सिर्फ 2 चीज़ों से ये तैयार हुई है। गार्लिक डाला और उसके बाद
मैंने इसके अंदर जो सॉस डाली है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 से 6 अफराद के लिए ये जो मैंने आपको बताई है ये काफ़ी है। तो अब इसको मैं टेस्ट करके तो आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आइए इसे टेस्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े की है। इसके अंदर चिकन का फ्लेवर और ये सॉस का जो फ्लेवर है ये बहुत ही मज़ा दे रहा है इसको, बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी जल्दी कोई रेसिपी तैयार नहीं होती जितनी जल्दी से ये इतना मज़े का पास्ता तैयार हुआ है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आप उसे देख सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। आइंदा की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।